तो आज हम लोग उत्तल लेंस में जानेंगे कि आवर्धन m बराबर जो होता है वह होता क्या है। तो m बराबर होता है वी वाई यू, दर्पण में जाने थे माइनस वी वाई यू, और लेंस में जानेंगे वी वाई यू होता है। लेंस फॉर्मूला होता क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो उसका यूज करके हम इस कथन को प्रूव करेंगे। यह कथन प्रूव करने के लिए हमें लेंस फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं होगी। तो वी वाई यू आया कैसे, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। तो आवर्धन m जो होता है प्रतिबिंब ऊंचाई बट्टा बीम ऊंचाई होती है। तो प्रतिबिंब ऊंचाई और बीम ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो यह अनुपात डिपेंड किस पे करता है, तो वस्तु की स्थिति पे डिपेंड करता है, वस्तु यानी कि पार्टिकल। अगर कोई वस्तु को लेंस से किस स्थान पे रखते हैं, किस दूरी पे रखते हैं, उस पर यह डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई क्या आने वाला है। तो यहाँ पर लिखा गया प्रतिबिंब ऊंचाई और बीम ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, और प्रतिबिंब ऊंचाई जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं वी से, और बीम ऊंचाई को डिनोट करते हैं यू से। तो आवर्धन डिपेंड करता है किस पे, तो प्रतिबिंब की दूरी पे, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पे डिपेंड करता है। वस्तु को हम किस स्थिति में रखेंगे, किस पोजिशन में रखेंगे, उस पर डिपेंड करता है उसका प्रतिबिंब किस साइज का बनेगा। यानी आवर्धन जो होता है एम जो होता है वी बाई यू होता है। इस बात को हम आज प्रूव करना सीखेंगे। इसके लिए जो लिखा जाएगा खुद से लिख ले। देखो आगे क्या करते हैं हम लोग, कहां चलेंगे और किस ट्रायंगल में चलते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, इस ट्रायंगल में चलना और इस ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल में चलेंगे। तो पहले क्या बोला जा रहा है, प्रतिबिंब ऊंचाई बट्टा बिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई बट्टा बिंब ऊंचाई। प्रतिबिंब मतलब हो गया क्या चीज, वस्तु, और बिंब मतलब होता है उसका छाया जो बन रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग को प्रतिबिंब बोला ऊपर में, बिंब बोला है नीचे में, सॉरी बिंब मतलब होता है वस्तु, प्रतिबिंब मतलब होता है क्या चीज, इमेज। ठीक है, तो बिंब यानी कि नीचे दिया गया है और प्रतिबिंब ऊपर दिया गया है, यानी कि हम लोग ट्रायंगल चलेंगे, इस ट्रायंगल में पहले और इस ट्रायंगल में बाद में, मतलब रेशियो जो लेंगे। ठीक है, वैसे ले सकते हैं किसी में भी, बाद में हम लोग को क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं करते हैं। तो देखो हम लोग के पास प्रमाण के तौर पर है क्या, प्रमाण के तौर पर हम लोग चलते हैं त्रिभुज यानी कि इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ और ट्रायंगल ए बी ओ में। ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या कहेंगे, एक चीज देख रहे हैं क्या चीज, कि ये कोण जो होगा मेरा इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो एंगल बोल सकते हैं ए डैश ओ बी डैश बराबर एंगल ए ओ बी, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि कौन कौन इसको कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण का जो पेयर होता है उससे हम लोग कह सकते हैं। एक और बात, वस्तु को हम परपेंडिकुलर कर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी परपेंडिकुलर ही बनेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं एंगल ए डैश बी डैश ओ बराबर एंगल ए बी ओ, 90 ए बी 90 ए बी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक कोण जो है मेरा वह है 90 डिग्री का। दो एंगल मिल चुका है डबल ए से, तो डबल ए समरूपता कसौटी से क्या निष्कर्ष तक पहुंचेंगे हम लोग, कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी ओ के। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा समानुपाती, तो खरा पहले हम लिखे ना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बना लेते हैं खरा ए डैश बी डैश बट्टा खरा इसका ए बी बराबर पड़ा इसका इस छोटे इधर ट्रायंगल का पड़ा क्या चीज है ओ बी डैश, और इस ट्रायंगल का पड़ा क्या है ओ बी है। यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, तो दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे वस्तु दूरी को, क्या सिद्ध करते हैं यू से, यहाँ वस्तु दूरी मेरा क्या होगा, वस्तु दूरी यानी कि ओ बी, तो वस्तु दूरी ओ बी, वस्तु दूरी को सिद्ध करते हैं यू से। यह चीज हमने माना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, तो प्रतिबिंब दूरी ओ डैश बी, तो क्या होगा वी, तो दिक्कत नहीं। एक और चीज देखो इसमें, और कुछ दिख रहा है क्या, और कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, ए डैश बी डैश और ए बी, यानी क्या है, यह हाइट है किसका, प्रतिबिंब का हाइट है, ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब ऊंचाई नीचे मुंह है, मतलब निगेटिव, क्या उल्टा लटका हुआ है ना,
क्या लेना होगा हम लोग को, निगेटिव, ऊपर उठा होगा तो पॉजिटिव। तो यहां पर बिंब को लिखेंगे क्या चीज, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई जिसका नाम हमने लिया है ए बी, ए बी क्या एच वन, ठीक है, प्रति बिंब ऊंचाई, बिंब ऊंचाई की लगाना कोई जरूरी नहीं, बिंब ऊंचाई यानी कि ए डैश बी डैश तो क्या एच टू, दिक्कत है नहीं। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके क्या करेंगे, समीकरण एक में प्राप्त मान को रख देंगे, ठीक है, तो लिख देंगे क्या चीज, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर समीकरण एक में प्रत्येक मान को रखने पर, प्रत्येक मान को रखने पर, तो समीकरण एक मेरा क्या है यही ना, ए डैश बी डैश बट्टा ए बी, तो ए डैश बी डैश यानी कि एच टू क्या होगा, एच टू बाई एच वन, तो अभी पहले हम बता ही चुके हैं कि नीचे मुंह है तो निगेटिव लेंगे बराबर, ठीक है। आगे क्या है देखो, ओ बी बट ओ बी डैश बट्टा ओ बी, तो ओ बी बी डैश क्या है बी है, यहां रखेंगे क्या चीज बी बट्टा, इसकी जगह क्या रखेंगे यू, ठीक है। एक बात तो जो हम ला रहे थे वो बात यहां से दिख रहा था, देखो अभी भी साइन हम लोग नहीं लगाए हैं, यहां पर भी साइन देखो क्या होगा, वस्तु दूरी किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो वस्तु दूरी क्या होगा निगेटिव में रखाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहां से बच जाएगा क्या चीज एच टू बाई एच वन बराबर बी बाई यू, ठीक है। चलो यहां देखना, प्रतिबिंब दूरी को यहाँ लिखने में गलती हुआ है, क्या होगा ओ बी डैश ना, चलो आगे देखते हैं। ये मेरा इक्वेशन आ जाता है सेकेंड, इक्वेशन मेरा हो गया ये सेकेंड। एक और बात हम लोग क्या जानते हैं कि आवर्धन m जो होता है वह बराबर क्या होता है, आवर्धन m जो होता है h2 by h1, ये क्या जानते हैं परिभाषा से, तो हम लिख सकते हैं बात को कि परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं, आवर्धन, ठीक है गोवर्धन नहीं आवर्धन, आवर्धन m जो होता है वो क्या होता है h2 by h1, तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण क्या थर्ड, तो समीकरण दो और तीन से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो ध्यान से देखना, समीकरण दो और तीन से किस निष्कर्ष तक हम पहुंच सकते हैं, निष्कर्ष मेरा क्या होगा कि m जो होगा वह बराबर हो सकता है h2 by h1 के, अब वह बराबर हो सकता है किसके v by u के, यानी तीनों आपस में बराबर होंगे। अब हम लोग यूज करेंगे क्या चीज, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, लेंस सूत्र क्या बोलता है, वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर होता है वन बाई एफ के, ठीक है। देखो चूंकि हमें लाना क्या चीज है वी बाई एफ का फॉर्म, तो हम लोग बोथ साइड वी से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, दोनों पक्षों में वी से गुना करने पर, दोनों पक्षों में वी से गुना करने पर, तो गुना करते हैं, गुना करना गुना नहीं है, आ जाएगा हम लोग का सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, देखो वी बाई क्या आ जाएगा, वी बराबर माइनस वी बाई यू बराबर वी बाई एफ, तो ये से यहाँ कैंसिल होके वन दिया, तो क्या लिख सकते इस चीज को हम लोग, ध्यान देखो वन प्लस इधर के जाएगा माइनस वी बाई एफ बराबर माइनस उधर जाके प्लस वी बाई यू, और वी बाई यू किसके बराबर तो होता है, तो देखो ना एम के बराबर होता है, होता है कि नहीं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं इसकी जगह पुट किया जा सकता है क्या चीज, एम जो होगा वह बराबर होगा वन माइनस वी बाई एफ के, और यह बात मेंशन हम कर सकते हैं यहाँ पे, चूंकि एम जो होता है वी बाई यू, हमने यह बात पहले ही प्रूव कर चुका है, यानी प्रूव कर चुके थे, ठीक है, तो निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं, तो ही मेरा फाइनल रिजल्ट।